Hello everyone, welcome to JS Online. Dear students, if you are 10th class student, then watch this video. It's very important for you. इस वीडियो में मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा ट्राइग्नोमेट्रीज के जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो मैं आपको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देख लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहले देखेंगे ये जो साइन थीटा है ट्राइग्नोमेट्रिक में सिक्स रेशियोज है। तो रेशियो नंबर फर्स्ट इज डेट इज साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा एंड द थर्ड वन इज इट इज टैन थीटा। ठीक, इसके बाद अगर हम साइन का जो इनवर्स देखेंगे डेट इज वन डिवाइड वो हो गया कोसेक थीटा। दिस इज द फोर्थ रेशियो एंड द फिफ्थ रेशियो इज कॉस थीटा का जो इनवर्स है वो है सेक थीटा। इसके बाद टेन थीटा का जो इनवर्स है वो है कॉट थीटा। ओके, दिस आर सिक्स रेशियोज इन ट्राइगोनोमेट्री। अब मैं आपको इनके फार्मूलाज दिखाऊंगा, पहले इनवर्स रिलेशनशिप में, इसके बाद मैं आपको कोएफिशिएंट रिलेशनशिप में इसके फार्मूलाज दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो सिक्स रेशियोज है। तो पहले हम देखेंगे साइन थीटा को, जो पहले एक्सरसाइज में मतलब जो फार्मूलाज हमें यूज करने पड़ते हैं उसके लिए हम पहले वही फार्मूला लिखेंगे। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा के लिए ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसके लिए आप वो फार्मूला भी याद रख सकते हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। उसमें अगर हम सम को देखेंगे, सम का जो पहला लेटर होता है एस, तो वो गया साइन। पीपल है मीनस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, कर्ली मीनस कॉस, ब्लैक हेयर्स मीनस बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस की फार्मूला बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है, तो हो गया टेन। प्रेजेंट ब्यूटी मीनस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, वही फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में वो हमें उसका उपयोग होता है, सो वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इसी तरह साइन का जो अपोजिट है डेट इज वन डिवाइड बाई कोसेक थीटा। ये आप अच्छे से याद रखना। तो साइन के लिए मैंने यहाँ पे दो फार्मूलाज यूज किए हैं, एक हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, अगर हमें साइन का इनवर्स देखना है डेट इज वन डिवाइड बाई कोसेक थीटा। इसी तरह हम देखेंगे कॉस थीटा का, कॉस थीटा हो गया बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि ब्लैक हेयर्स, इसका इनवर्स हो गया वन डिवाइड बाई सेक थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम टेन को देखेंगे, ये आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो टेन का जो इनवर्स होता है वो होता है वन डिवाइड बाई कॉट थीटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इनको ये आप अच्छे से याद करोगे। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे देन यू कैन क्रैक यूर 10th क्लास एग्जाम विथ ए वेरी गुड मार्क्स। तो यहाँ पे आपने देखे हैं साइन थीटा का भी, कॉस थीटा का भी और टेन थीटा का भी। अब अगर अब आपको देखना है कि यानी कि मतलब ये जो साइन है इसके सारे फार्मूलाज आपने याद किए हैं, अब हमें दो और फार्मूला पढ़ने हैं, वो होते हैं कोएफिशिएंट रिलेशनशिप। क्या होता है? कोएफिशिएंट रिलेशनशिप। तो कोएफिशिएंट रिलेशनशिप में हमने सबसे ज़्यादा टेन थीटा और कॉस थीटा का पढ़ना है। तो टेन थीटा होता है, ये आप याद रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक्सरसाइज में इसका यूज़ करना पड़ेगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ओके, इसी तरह कॉट, कॉट इसका इनवर्स हो गया है, कॉट को हम लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक, तो ये टेन के लिए इस फार्मूला को कहते हैं कोएफिशिएंट रिलेशनशिप। दीज आर टू फार्मूलाज एंड दीज टू फार्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको उसमें इनवर्स में देखना होगा, यानी कि अगर आपने इनवर्स में देखना होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक, इसी तरह अगर आपको देखना है sec थीटा, sec थीटा को हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई cos थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह अगर आपको cot का इनवर्स देखना है, cot थीटा को हम लिखेंगे वन डिवाइड बाई tan थीटा। तो ये कुछ फार्मूलाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन फार्मूलाज को अच्छे से पढ़ोगे तो आई होप कि आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे सॉल्व। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।